लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद दोस्तों। आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ड्यू डेट को हम कैलकुलेट करेंगे। फ़र्ज करें हमारे पास दोस्तों सीरियल नंबर है और यहाँ पर दोस्तों ये डिफरेंट किस्म के बिल है जिसको पे करना है। यहाँ पर दोस्तों इसका अमाउंट आ रहा है और यहाँ दोस्तों इसका ड्यू डेट है, यानी जो नेक्स्ट 7 डे है, आज 8 जून है, नेक्स्ट जो 7 डे में आ रहे हैं वो दोस्तों उसके सामने हम चाहते हैं कि नोटिफिकेशन हमें मिले, एक्सपायरी डेट का रिमाइंडर मिले। फर्ज करें दोस्तों यहाँ पर मैं डालता हूँ 13, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों इसके सामने एक्सपायरी डेट आ जाता है। तो ये दोस्तों किस तरह तो इसको दोस्तों कैसे बनाएंगे आज की इस लेक्चर में यही बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाले बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बाकी काम मैंने किया दोस्तों, यहाँ पर मैंने सब कुछ पूरा शीट बनाया है। यहाँ पर जस्ट हम नोटिफिकेशन के लिए फार्मूला पुट करेंगे और उसके बाद दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, जिसमें ड्यू डेट और नोटिफिकेशन के लिए जो 7 दिन के अंदर आ रहा है उसको दोस्तों डिफरेंट किस्म के कलर देके हम अप्लाई करेंगे। यहाँ दोस्तों इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको, तो दोस्तों यहाँ पर मैं फार्मूला पुट करता हूँ नोटिफिकेशन के लिए, रिमाइंडर नोटिफिकेशन के लिए क्या फार्मूला है, इक्वल टू इफ इंटू ड्यू डेट लेस देन टू डे ब्रेकेट ओपन ब्रेकेट क्लोज, जो कि टू डेट का फार्मूला है, प्लस 7 डे है दोस्तों, अगर आज के दिन से 7 दिन के अंदर आ रहा हूँ तो उसको दोस्तों एक्सपायरी रिमाइंडर यहाँ पे हमें मिलना चाहिए, एक्सपायरी डेट का रिमाइंडिंग एक्सपायरेशन रिमाइंडर हमें मिलना चाहिए कामा। ये दोस्तों अभी हमने क्या किया, इफ लॉजिकल टेस्ट दोस्तों हमने अप्लाई किया, अगर ड्यू डेट लेस देन टू डे प्लस 7 हो कामा, तो वैल्यू इफ ट्रू में दोस्तों डबल इन्वर्टेड काम में क्या करें, एक्सपायरी रिमाइंडर कामा, यहाँ दोस्तों हमें मैसेज मिल रहा है ये आप देख रहे हैं। वैल्यू इफ फॉल्स में दोस्तों क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कामा पुट करें ताकि यहाँ पे ब्लैंक हो, ब्रेकेट क्लोज करें, क्या फार्मूला, इक्वल टू इफ इंटू ड्यू डेट लेस देन टू डे ब्रेकेट ओपन ब्रेकेट क्लोज, इसमें दोस्तों हम जमा करेंगे कि अगर आज के दिन से, यानी जो भी करंट डेट हो उससे में 7 दिन हो, जमा करके 7 दिन के अंदर हो, यानी आज से अगले 7 दिन में जो भी डेट ड्यू डेट आए तो वो दोस्तों क्या आना चाहिए, वैल्यू इफ ट्रू में यहाँ एक्सपायरी रिमाइंडर लिखना चाहिए कामा, वैल्यू इफ फॉल्स में दोस्तों अगर इससे ज़्यादा हो या नहीं तो यहाँ पे दोस्तों ब्लैंक आना चाहिए, एंटर करते हैं। तो चूँकि दोस्तों 14 जून है, 8 जून से 14 जून, तो ये 7 दिन के अंदर आ रहे हैं दोस्तों, इसको यहाँ से ड्रैग कर दें। यहाँ दोस्तों नेक्स्ट में पुट करता हूँ कोई भी आइटम हो, फर्ज करें 2000 अमाउंट है, इसको दोस्तों मैं 2021 17 जून 6 2021 कंट्रोल शिफ्ट 3, तो आप देख रहे हैं दोस्तों इसके सामने डेट नहीं आ रहा है, इसको दोस्तों मैं 10 कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली एक्सपायरी रिमाइंडर आ गया। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास वो है मेथड है कि हम चाहते हैं कि इसको जो भी ड्यू डेट है उसको दोस्तों ऑटोमेटिकली क्या मिले, हाईलाइट हो जाए, तो इसके इस पर दोस्तों हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसको सेलेक्ट कर दें और यहाँ दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए, न्यू रोल पर क्लिक करें, यूज़ ए फार्मूला टू डिटर्मिन इक्वल टू एंड इनटू फर्स्ट सेल सेलेक्ट करें, F4 तीन दफ़ा प्रेस करें तो डॉलर साइन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, लेस देन टू डे ब्रेकेट ओपन ब्रेकेट क्लोज प्लस 7 ब्रेकेट क्लोज, और फॉर्मेट सेल में जाए, फिल पे क्लिक करें, यहाँ से ये वाली कलर पे ग्राउंड में दे दें, फ़ॉन्ट में जाए और फ़ॉन्ट दोस्तों बैकग्राउंड दे दें, इसको बोल्ड भी कर दें और यहाँ से ओके कर दें, यहाँ से भी ओके कर दें, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों जहाँ भी एक्सपायरी रिमाइंडर आ रहा है वहाँ भी दोस्तों ड्यू डेट को ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर दिया। इस तरह दोस्तों हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ भी अप्लाई हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए, मैनेज रोल सारी, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, मैनेज रोल
कंट्रोल सी, न्यूरल कंट्रोल वी। यहाँ से दोस्तों फॉर्मेट में जाए, फिल पे क्लिक करें और यहाँ से दोस्तों फॉन्ट में जाए, ऑटोमेटिक में दोस्तों इसको बोल्ड भी कर दे और यहाँ से ओके कर दे और ओके कर दे, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों इसको भी बैकग्राउंड कलर मिल गया, हाईलाइट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसको 18 कर दे, तो ऑटोमेटिकली इसका हाईलाइट ख़त्म हो गया और यहाँ भी इसका नोटिफिकेशन एक्सपायरी ख़त्म हो गया। दोबारा सेलेक्ट कर दे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसको चेंज कर दे, यहाँ से मैंने जो रोल पे क्लिक करें, एडिट रोल ग्रेटर इक्वल टू ओके ओके, तो जो ब्लैंक है उसको मिल गया है। दोबारा जाए मैनेज रोल, एडिट एडिट लेस देन ओके कर दे और यहाँ से भी ओके कर दे, तो आप देख रहे हैं दोस्तों बेहतरीन किस्म का फॉर्मेट बना के दिया। यहाँ से दोस्तों बैकग्राउंड कलर और यहाँ से फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों हमने ड्यू डेट के रिमाइंडर के लिए एक बेहतरीन किस्म का फॉर्मेट बना के दिया। इसको दोस्तों 14 कर दें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो जब भी दोस्तों कोई भी बिल हो जिसको आपने पे करना हो, अपने लिए रिमाइंडर रखना चाहते हैं, एक्सपायरी डेट का रिमाइंडर रखना चाहते हैं, तो 7 दिन के अंदर अंदर या इससे कम ज़्यादा दिन भी आप फार्मूला में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने ट्रू डेट लिखा है ताकि आपको पता हो कि आज का डेट है। ये ऑटोमेटिकली दोस्तों ट्रू डेट का यहाँ पे हमने फार्मूला में ट्रू डेट का फार्मूला पुट किया है, यानी जैसे कल से नेक्स्ट 7 डे होगा, अगले रोज से यानी 10 तारीख से पर नेक्स्ट 7 डे होगा, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों चेंज होता जा रहा है। उम्मीद है दोस्तों आज की इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।